Yes! मैं जाना नहीं चाहता। Welcome back, Rockers. My girlfriend is an alien series के सेकंड एपिसोड में साक्षी को पता चल गया था कि ली फैंग का भाई है और वो अपने एनहांसेटर को ढूंढने के लिए फैंग के घर चली गई थी, लेकिन उसे वहां वो डिवाइस नहीं मिला। उसे ये भी पता चल गया था कि फैंग के टच करने से उसकी सुपर पावर्स काम नहीं करती। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत में फैंग साक्षी के अजीब बिहेवियर को देखकर अपने गार्ड्स को बुलाता है और साक्षी को बाहर लेके जाने को बोलता है, और बेचारी इस तरह साक्षी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जाने से पहले साक्षी फैंग से कहती है कि यहां से बाहर का रास्ता तो मैं जानती हूं और मैं खुद चली जाऊंगी, पर याद रखना ली उठकर पूछेगा कि उसकी फ्रेंड कहां पर है और उसका जवाब तुम तैयार रखना, ये कहकर वहां से छूमंतर हो जाती है। अब अगली सुबह ली उठ जाता है और फैंग से साक्षी के बारे में पूछता है। फैंग कहता है कि वो घर छोड़कर चली गई है, लेकिन तुम उसके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने आर्ट वर्क प्रैक्टिस में ध्यान दो क्योंकि एग्जीबिशन में बस कुछ दिन रह गए हैं। और ये कहकर वो फिर से ली को घर में ही बंद कर देता है। अब कुछ दिन में फैंग ऑफिस चला जाता है। घर पर फैंग की स्टेप मदर और उसका मैनेजर होते हैं। फैंग की स्टेप मदर यानी ली की माँ का नाम जिया है और मैनेजर का नाम जोश। जिया फैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो सिर्फ अपने बेटे ली से प्यार करती है। दरअसल जोश जिया का भाई है, लेकिन उसने ये बात सभी से छुपा कर रखी हुई है। और फैंग के पापा का नाम फैंगशी है और वह एफ ग्रुप के चेयरमैन है। फ्यूचर में फैंग कंपनी का चेयरमैन बन जाएगा, लेकिन ये दोनों प्लान कर रहे होते हैं कि किसी तरह फैंग को हटाकर ली को एफ का चेयरमैन बनाना है। ये दोनों जानते हैं कि फैंग को एमनेजिया है, लेकिन इनके पास उसका कोई सबूत नहीं होता क्योंकि फैंग ने अपने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स सीक्रेट रखे होते हैं। जोश जिया को बताता है कि मैं किसी को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि एयरपोर्ट से एक लड़की आ रही होती है, इसका नाम जियांग है। वो बहुत साल फॉरेन में रहने के बाद अपने देश लौटी है और वो किसी को मैसेज करती है कि आई एम बैक। रेस्टोरेंट में साक्षी को दिखाते हैं। रेस्टोरेंट के ओनर मिस चाय साक्षी से बहुत ही खुश है क्योंकि उसके आने के बाद मिस चाय का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसे बड़े बड़े क्लाइंट से फूड ऑर्डर्स मिलने लगते हैं। अब साक्षी उसे बताती है कि कल रात मैं फैंग के घर गई थी। ये सुनकर मिस चाय एक एग्रीमेंट तैयार करके लाती है और साक्षी से कहती है कि तुम इस पर फैंग का साइन ले लो, फिर उनके ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज का खाना हम ही सप्लाई करेंगे, हम उन्हें डिस्काउंट भी देंगे। जब तुम मिस्टर फैंग से मिलने जाओगी तो इस एग्रीमेंट पर साइन जरूर कर लेना। तब साक्षी एक और प्लान बनाती है। फैंग के घर पर तो मुझको अनसेटर नहीं मिला, मतलब वो जरूर उसके ऑफिस में होगा। ये सोचकर वो एग्रीमेंट पेपर लेकर फैंग के ऑफिस में चली जाती है और आने वाले बड़े ऑर्डर के लिए मिस चाय तो अभी से खुश हो रही होती है। अब फैंग अपने ऑफिस में लिफ्ट के लिए वेट कर रहा होता है, तभी अचानक वो जगह फ्रीज हो जाती है और पहले की तरह वहां के सारे लोग बिल्कुल स्टैचू बन जाते हैं। तब फैंग को अनदेखा करके साक्षी लिफ्ट के अंदर आती है। जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है तो सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। फैंग सबसे कहते हैं कि अभी तो ये जगह फ्रीज हो गई थी और पूछता है कि क्या तुम में से किसी ने एक फूड डिलीवरी करने वाली लड़की को लिफ्ट में देखा है। वे कहते हैं कि हमने तो किसी को नहीं देखा सर। ऑफिस में सब मीटिंग के लिए गए होते हैं और फिर मौका पाकर साक्षी ऑफिस में अनसेटर को तलाशती है। वो फैंग की डेस्क ड्रॉअर वगैरह वगैरह सब जगह चेक करती है, फिर बहुत देर ढूंढने के बाद उसे अनसेटर नहीं मिलता। इतने में फैंग वहां पर आ जाता है और साक्षी छुप जाती है, लेकिन अंदर आते ही फैंग को पता चल जाता है कि अंदर कोई आया है। शेल्फ की सारी बुक्स उल्टी रखी होती है। फैंग कहता है कि यहाँ कौन छुपा है, चुपचाप बाहर आ जाओ। अब साक्षी तुरंत बाहर आकर अपनी बेल्ट से फैंग के हाथ को बांध देती है और कहती है मुझे मेरा अनसेटर चाहिए, फिर मैं चुपचाप चली जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मेरा डिवाइस तुम्हारे पास ही है। क्या कहा तुमने, अनसेटर डिवाइस? ऐसा कोई डिवाइस मेरे पास नहीं है। अब साक्षी उसको बताती है कि वो दिखने में एक छोटी चिप जैसा ही है। फिर वो उस चिप के बारे में एक्सप्लेन करती है, लेकिन फैंग की कुछ भी समझ में नहीं आता। देखो लड़की, तुम जिस चिप को ढूंढ रही हो मैंने उसका नाम तक नहीं सुना है। अब साक्षी बेचारी उदास होकर कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी चिप खो गई है। उस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम मौत से लड़ रहे थे, तब मैंने तुम्हारी मदद की और तुम्हारी जान बचाई, वही मेरा डिवाइस खो गया था। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो आज मैं अपने प्लेनेट में वापस होती। अब फैंग बिल्कुल चौंक जाता है कि क्या तुम सच कह रही हो, पर वहां ना तो कोई एम्बुलेंस थी और ना ही मुझको कोई हॉस्पिटल लेके गया, फिर तुम अकेले मेरी जान कैसे बचा पाई, क्या तुम सुपरमैन हो? साक्षी कहती है कि मैं सुपरमैन नहीं हूँ, समझे, मैं एक सुपर वीमन हूँ। मैंने अपना मैजिक पावर यूज करके तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हारे सारे घाव ठीक कर दिए थे। अब फैंग कहता है कि अगर दुनिया को पता चलेगा कि मैंने एक सुपर वीमन को खोज निकाला है तो मुझको तो कई अवार्ड्स मिलेंगे, मैं तुम्हें अपनी रिसर्च लैब में भेजने वाला हूँ। फिर डर के मारे साक्षी कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। चलो अच्छा हुआ मैंने अपने बारे में इस आदमी को कुछ नहीं बताया, ये सोचकर वो वहां से चली जाती है।
कुछ देर बाद जियांग फैंग के ऑफिस में आती है और जॉश से मिलती है। वो कहती है कि मैं फैंग के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती हूँ। जॉश कहता है कि फैंग की स्टेप मदर जिया भी यही चाहती है। अब जॉश जाकर फैंग को बताता है तो वो कहता है कि इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाद जियांग से मिलूंगा। जब जॉश जियांग को ये बात बताता है तो वो बहुत ही टेंशन में हो जाती है और कहती है कि मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं खुद जानती हूँ कि फैंग से कैसे और कहाँ मिलना है, और ये कहकर वो गुस्से में बाहर चली जाती है। अब फैंग अपने रिसर्च लैब में जाता है और उसे शक होता है कि कहीं वो साक्षी उस ब्लू क्रिस्टल की बात तो नहीं कर रही थी जो एक्सीडेंट स्पॉट पर मेरे हाथ पे पड़ा हुआ था। और फिर उस क्रिस्टल पर रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट बताता है कि इस क्रिस्टल के अंदर कोई चिप नहीं है। तो फैंग का असिस्टेंट कॉल करके कहता है कि आप प्लीज जल्दी से कार पार्किंग में आ जाइए। फैंग तुरंत वहां पर जाता है तो उसकी कार का ग्लास टूटा होता है और कार के आगे जियांग खड़ी होती है, और जियांग ने फैंग को ब्लाइंड डेट पर ले जाने के लिए यह तरीका निकाला है। अब वो टूटे हुए ग्लास के पूरे पैसे देकर कहती है, मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ लेकिन मैं जल्दी तुम्हारे साथ एक ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती हूँ। फिर वो फैंग के साथ एक सेल्फी ले लेती है। अब यहाँ ली घर में कैद होता है और इस वजह से उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो आर्ट एग्जीबिशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। कुछ देर में वो बहुत ही बोर हो जाता है और गार्ड से अपना मोबाइल लेकर गेम खेलने लगता है। तब वो जियांग का मैसेज देखता है जिसमें लिखा होता है आई एम बैग। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ली और जियांग एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं, लेकिन किसी वजह से जियांग ली से अलग हो गई थी। अब अचानक उसका मैसेज देखकर ली को बड़ी टेंशन होने लगती है। वो गार्ड से मारपीट करके वहां से कैसे भी करके बच निकल जाता है। अब फैंग अपने पापा फैंगशी से मिलना जाता है। तब जिया उसके सामने ही फैंगशी से कह रही होती है कि ली फैंग से ज्यादा काबिल है और फैंग को कुछ भी नहीं आता। इस तरह वो फैंग की इंसल्ट करने लगती है, पर फैंग कहता है कि आप सिर्फ मेरे पापा की पत्नी हैं, मेरी असली माँ नहीं, इसलिए अपने बेटे को कंपनी सौंपने के सपने तो भूल जाइए, और गुस्से में ये सब कहकर वो चला जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट में साक्षी बहुत ही उदास बैठी होती है। धरती पर लैंड होने के बाद उसका इकलौता साथी टॉरी था जो हमेशा उसके साथ चकर बकर करता ही रहता था, लेकिन उस दिन टॉरी पर श्राप गिर गई थी और उसका सर्किट खराब हो गया था, इसलिए अब वो बात भी नहीं कर सकता। ऊपर से साक्षी को अब तक अनसेटर भी नहीं मिला है और वो अपने प्लेनेट वापस नहीं जा सकती। तब मिस चाय आकर कहती है कि क्या तुम अपनी फैमिली को मिस कर रही हो, तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हें ढूंढकर यहाँ तक जरूर पहुंच जाएगी, इसीलिए तुम खुश रहने की कोशिश करो। टॉरी गया तो क्या हुआ, तुम्हें और भी कई फ्रेंड जरूर मिल जाएंगे, तुम उनके बारे में सोचो और खुश रहो। तब साक्षी को ली की याद आती है और उसके साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट्स को वो याद करके कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कहती है, यहाँ मुझको एक अच्छा दोस्त जरूर मिला है लेकिन न जाने वो कहाँ चला गया पता नहीं। तब ली फैंग के घर से बचकर साक्षी के रेस्टोरेंट में आ जाता है और उसको देखकर साक्षी का चेहरा बिल्कुल खिल जाता है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। साक्षी कहती है कि जब इंसान दुखी होते हैं तो रोने लगते हैं, राइट, पर तुम इस वक्त हंसकर बातें कर रहे हो लेकिन तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम परेशान हो। अब ली हाँ में जवाब देता है। फिर वो साक्षी को खाना खिलाता है, फिर वे ड्रिंक करने लगते हैं और ऐसे मजे करते हैं। अब बहुत पी लेने के बाद वो साक्षी को देखता है तो उसको जियांग नजर आती है। वो कहता है कि जियांग तुम मुझको छोड़कर चली गई थी, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, और ये कहकर वो साक्षी का हाथ पकड़कर खींच लेता है। और साक्षी अपने इनविजिबल ग्लव्स पहने बिना किसी इंसान को टच नहीं करती क्योंकि उसका और इंसान के शरीर का टेम्परेचर बहुत ही अलग होता है। उसके इनविजिबल ग्लव्स टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं, इसलिए वो ग्लव्स पहनकर ही इंसान को टच करती है, लेकिन ये जाने बगैर ही साक्षी का हाथ पकड़कर खींचता है और साक्षी का इनविजिबल ग्लव निकाल देता है और इस वजह से उसके आसपास का टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है और वो ठंड के मारे रेस्टोरेंट के गोडाउन में जाकर बैठ जाती है। यहाँ फैंग ली को हर तरफ ढूंढ रहा होता है। आखिर में वो मिस चाय के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहां ली नशे में धुत बेहोश पड़ा होता है। अब फैंग अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द इसको घर लेके जाओ। फिर उस गोडाउन में से कोई आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने वहां पर जाता है। वो देखता है कि साक्षी ठंड से कांप रही है। फैंग पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा शरीर इतना ठंडा क्यों है और तुम यहाँ क्यों बैठी हो, पर साक्षी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। फिर फैंग उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, पर साक्षी आधी बेहोशी में कहती है मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, और ये कहकर वो फैंग के सीने से लग जाती है और तब वो गर्मी महसूस करती है। वो बड़ी कंफ्यूज होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कोई इंसान होता तो साक्षी की ठंड कम नहीं होती। साक्षी को आज तक ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं हुई थी और अब वो फैंग का चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक ही दोनों किस करने लगते हैं। फिर फैंग साक्षी को अपना कोट पहनाता है और दोनों वहीं बैठे बैठे ही सो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं सीरीज के अगले पार्ट के साथ, तब तक ले गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।